गए फील्ड पे और आज हम फ्लाई करेंगे ऑटोनोमस मिशन। हमने ऑलरेडी इसकी फ्लाइट प्लान बना ली है और इसको ऑलरेडी हमने अपलोड कर लिया है। आइए इसको टेस्ट करते हैं और फ्लाई करके देखते हैं कि वे पॉइंट के हिसाब से ये फ्लाइंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए अभी ऑलरेडी जो है हमने इसको टेक ऑफ ले लिया है और अभी हम इसको ऑटो मोड पे नेविगेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है। ये हमने ऑटो पॉइंट ले लिया है। और अभी ड्रोन देखिए ये ऑटोनोमस फ्लाई हो रहा है। अभी फर्स्ट वे पॉइंट पे जाएगा, उसके बाद जो है ये सेकेंड वे पॉइंट पे जाएगा। ये फर्स्ट वे पॉइंट पे जाता हुआ ये देखिए ये फर्स्ट वे पॉइंट पे पहुंच गया। अभी ये जा रहा है दूसरा वे पॉइंट पे। ये देखिए कितना अच्छा फ्लाई हो रहा है, बहुत स्टेबल हो रहा है। अभी ये दूसरा वे पॉइंट पे जाते हुए दूसरा वे पॉइंट पे ये पहुंच चुका है। इसके बाद अभी ये थर्ड वे पॉइंट पे जा रहा है। देखिए मैं स्टिक से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो खुद ही फ्लाई हो रहा है। अभी ये ऑलरेडी ये तीसरा वे पॉइंट पे पहुंच चुका है। अभी ये फोर्थ वे पॉइंट पे आने वाला है। देखिए कितना कितना स्टेबल फ्लाई हो रहा है, कितना और पूरा वे पॉइंट को जहाँ पे पॉइंट हमने मार्क किया है वहीं पे ये फ्लाई हो रहा है। एक्यूरेसी बहुत इसकी अच्छी है। अब इसके बाद जो है लास्ट वे पॉइंट पे आएगा, उसके बाद RTL होगा। ये देखिए मैं रिमोट से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सारा ऑटो हो रहा है। देखिए अभी ये RTL हो गया है। अभी ये क्लाइम करेगा, क्लाइम करने के बाद फिर हमारे ऊपर आके लॉइटर करेगा। देखिए ये ड्रोन क्लाइम कर रहा है। वो अचानक से क्रैश हो गया है, मे भी कुछ वे पॉइंट का इशू हुआ हो। तो देखिए ये हमारा ड्रोन यहाँ पे इस तरह से क्रैश हो गया है। काफी बढ़िया फ्लाई हो रहा था बट हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसका रीजन क्या है। तो ये है हमारा ड्रोन और देखिए ये सेफ है। ये चल रहा है, आई थिंक ESC या फिर मोटर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ये काफी हीट हो रहा है। बैटरी जल्दी डिस्कनेक्ट कर लो इसको, ये आई थिंक ESC ओवर हीट हो गया है।